तो भाई लोग, आप लोगों को पता है OB43 अपडेट आ चुका है। तो आफ्टर OB43 अपडेट आप लोगों को टॉप 10 ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे जिसके बाद आपका गेम प्ले एकदम हैकर लेवल बन जाएगा। मतलब आपको सीक्रेट टॉप 10 टिप्स देंगे गाइस इस वीडियो में, ठीक है, जो आपको नहीं पता है एंड आपको पता चलना चाहिए जो मुझे लगता है। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड अगर चैनल पे न्यू आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक कर दो। अभी बताते हैं आप लोगों को OB43 अपडेट के बाद सीक्रेट ट्रिक्स। तो फर्स्ट ट्रिक जो है, आप लोगों को पता है OB43 अपडेट के बाद यहाँ पे एक न्यू कैरेक्टर आया है राइडेन, तो जो कि मकड़ी का जाला फेंकता है एंड सारे बंदों को जो है स्लो कर देता है एंड फ्रीज कर देता है। तो आपको पता है राइडेन कैरेक्टर एक एक्टिव कैरेक्टर है, लेकिन एक पैसिव कैरेक्टर जोसेफ वो राइडेन को गाइस पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड उसका पूरा एबिलिटी यूजलेस बना सकता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास जोसेफ लगा हुआ है, तो राइडेन का कोई भी एबिलिटी मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, तो राइडेन कैरेक्टर का एबिलिटी बिल्कुल यूजलेस बन चुका है इस अपडेट में। तो अभी बात कर लेते हैं अपने सेकेंड टिप्स या ट्रिक्स की। तो पहले क्या होता था, आप किसी को अगर सोनिया बना देते थे तो उसको किल चोरी कर लेते थे आपके टीममेट्स। लेकिन अभी अगर आप किसी को सोनिया बना देते हो तो आपके टीममेट कितना भी गोली मारेगा उसके ऊपर आपके ही किल आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने दो बंदे को मारा तो मेरे पे दो किल आ चुका है। तो यहाँ पे सोनिया बनने के बाद मेरा टीममेट ने उसके ऊपर गोली मारा लेकिन उसको किल नहीं किया। तो अभी बढ़ते हैं थर्ड टिप्स की ओर। तो पहले क्या करते थे आप लोग, ग्लूवल से जो है छत के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते थे, लेकिन अभी तत्सुआ एक ऐसा कैरेक्टर बन चुका है जिसके पास अभी क्रिस का शक्ति आ चुका है। मतलब आप किसी भी ऊंचाई से अगर जंप करके तत्सुआ यूज़ करोगे तो हवा में, लिटरली हवा में तत्सुआ यूज़ होगा और आप लंबी लंबी छलांगे मार सकते हो इसकी मदद से। मतलब जो लोग हाइट का यूज़ करते थे उन लोगों के लिए तो एकदम ज़बरदस्त अपडेट है ये तत्सुआ वाला। तो तत्सुआ से आप कोई भी लंबी छलांगे ईजिली मार सकते हो एंड किसी भी हाइट के ऊपर चढ़ सकते हो अभी। तो अभी बढ़ते हैं हमारा फोर्थ ट्रिक्स की ओर। तो हमारा जो फोर्थ ट्रिक्स होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले यहाँ पे गाइस जो टीममेट निकनेम है ये हाइड करने का ऑप्शन नहीं था, ये डिस्प्ले ही होता था। तो इससे क्या होता था गाइस, जब भी फाइट लेता था मेरा टीममेट तो वहाँ पे उनका नेम जो है बड़ा बड़ा सा दिखता था एंड वहाँ पे बंदे नहीं देख पाता था मैं, ठीक है। तो अभी जो है हाइड करने का ऑप्शन है, तो हाइड करने के बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर दिखता है, जो कि एक बहुत अच्छा एंड ओपी अपडेट मैं मानता हूँ। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है ना, मतलब आपके टीममेट मतलब एनिमी के पास अगर फाइट ले रहा है तो आपको एनिमी दिखेंगे ही नहीं, बस उनका नाम बड़ा बड़ा सा दिखेगा, लेकिन अभी गाइस सिर्फ नंबर दिखेंगे वो भी छोटा छोटा, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो अभी बढ़ते हैं फिफ्थ टिप्स की ओर। तो पहले आपको पता था गाइस, सोनिया बन के अगर आप किसी को मार देते थे तो आप जो है बच जाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अगर आप सोनिया बन के किसी को भी मारोगे तो यहाँ पे आप भी डाउन हो जाने वाले हो। जैसे मैं यहाँ पे सोनिया बन के मारा लेकिन यहाँ पे सोनिया बिल्कुल काम नहीं किया। इसका मतलब यही है, अगर आप सोनिया बन के किसी को भी मारते हो तो आप खुद डाउन हो जाओगे यहाँ पे। तो ये काफ़ी ओपी अपडेट था, मतलब दिल को एक सुकून मिल गया ये सुन के। तो अभी बढ़ते हैं यहाँ पे सिक्स टिप्स की ओर। तो यहाँ पे जो 6 नंबर वाला टिप है वो सोनिया का फ़ायदा है। तो देखो यहाँ पे मैं एक बंदे को सोनिया बन के मारा तो मैं बच गया। तो ये तब काम आएगा जब 1v1 हो और सामने वाले का टीममेट मर गया हो, तब आप अगर किसी को मारते हो तो सोनिया आपको बचा लेगा। तो अभी बढ़ते हैं 7th नंबर टिप्स की ओर। 7th नंबर जो टिप्स है, अभी आप लोग लॉबी में कोई भी आते हैं आपके लॉबी में तो उसके नाम पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसका आउटफिट दिखेगा, और अगर आपके पास होगा तो आप 1 सेकंड में जो है वो सब पहन सकते हो गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोफाइल के साइड में जो आइकन है उसको दबाने से आ जाएगा। तो ये बढ़ते हैं 8 टिप्स की ओर। तो हमारा जो 8 नंबर टिप्स है, यहाँ पे गाइस बीआर रैंक के अंदर आप जो है अभी गाड़ी वाले एयरड्रॉप मंगवा सकते हो, और कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ होगा मैप के अंदर ही गाइस, ठीक है, मतलब कहीं पे भी पड़ा हुआ हो सकता है। तो इसको जस्ट आप कहीं पे भी फंस जाओगे जोन में या फिर कोई एनिमी के बीच में तो वहाँ पे आप जो है गाड़ी कुछ इस तरह से मंगा सकते हो एंड गाड़ी आने के बाद आप गाड़ी चढ़ के आप गर्लफ्रेंड को घुमा सकते हो या फिर अपने टीममेट को घुमा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। हमारा 9 नंबर वाला अपडेट ये है, अगर आप कटाना या परांग या किसी भी एनिमी को मारते हो तो एक न्यू साउंड इफेक्ट ऐड हुआ है यहाँ पे, जो कि मुझे भी सुन के काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप किसी एनिमी को मारते हो तो एक अलग साउंड इफेक्ट आएगा जो कि एकदम ओपी है एंड परांग वगैरह यूज़ करोगे। तो हमारा जो 10 नंबर वाला अपडेट है वो है, पहले आप अगर मतलब किल कितने किए आप वो सब देखने के लिए, मतलब कितने नंबर पे चल रहे हो क्या है सब कुछ देखने के लिए आपको बोर्ड में जाना पड़ता था, लेकिन अभी आप अगर यहाँ पे जो किल और अलाइव के बीच साइड में जो बॉक्स है उसको दबाओगे तो दिख जाएगा और साइड में आपको दिखेगा कौन आपको एलिमिनेट किया, कितना डैमेज दिया, सब कुछ।